अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आयशा खान किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में दिल चाहता है कि ठंडे ठंडे मशरूबात हों, तो इसी हवाले से मेरी आज की रेसिपी है। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है आड़ू का मिल्क शेक। आड़ू का मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं आड़ू 1/2 kg, जिसको हम छील लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो कि झटपट 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तो और आड़ू का जो मौसम है वो इस वक्त आया हुआ है, आड़ू बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं, तो ये बहुत ही इजी आराम से 5 मिनट में आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इसका जो छिलका है वो उतार लेना है। अगर आप छिलका नहीं उतारना चाहते तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर छिलका उतार लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। छिलका उतारने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको बारीक बारीक काट लेंगे जी। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। आड़ू का मिल्क शेक बहुत ही ज़बरदस्त होता है और सेहत के हवाले से भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से जितने भी आड़ू थे मैंने इसको छील के काट लिया है, अब हम उसे ब्लेंडर में डाल देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 kg मिल्क। तो ये जो मिल्क है ये मैंने बॉईल कर लिया था पहले से, और चीनी इसमें मैंने पहले ही ऐड कर दी थी 1/2 cup के करीब। अगर आप बाद में शामिल करना चाहें तो आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं, वरना ईजी रहता है कि जब हम मिल्क को बॉयल करें तो उसी में ऐड कर दें। इसके बाद अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसको 2 से 3 बार अच्छे से चला लेना है ताकि अच्छे से जो आड़ू है वो मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी रेशा बाकी ना रहे। बस इतना सा काम था। हमारा जो मिल्क शेक है वो तैयार हो चुका है, क्योंकि ये झटपट से तैयार हो जाता है तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो अब हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे, इसके बाद गिलास में डाल के इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत ही आसान, तो 5 मिनट में जो झटपट से तैयार हो जाए। ये देख सकते हैं आप जी कितना मज़ेदार और यमी लग रहा है। अब अगर आप चाहें तो इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकती हैं, इसको थोड़ा सा और लिक्विड करना हो तो, वरना ये इसी तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। इसके साथ ही वीवर्स, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।